तो यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स को जगाना है, और पावर्स जागृत होती हैं एफर्मेशंस, जिसको हम स्वयमान कहते हैं, स्वयं को मान देने से। हम देखो कैसे दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमें मान दें, दूसरे में अप्रिशिएट करें। जब दूसरे में मान देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किसको अच्छा लगता है? मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, दूसरों का मान पाकर मेरा मन प्रसन्न होता है, लेकिन अगर मैं स्वयं अपने मन को मान दूं तो मेरा मन क्या कर देगा? क्योंकि मेरा मन मेरी बात दूसरों से भी ज़्यादा मानता है। देख लीजिए आप, दूसरा व्यक्ति अगर आपसे आके बोल दे कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं? मैं कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। है ये किसने कहा? मन ने कहा और करके भी दिखाया। लेकिन जो आप कहते हैं ना स्वयं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, असंभव, तो मन गिव अप कर देता है और आप नहीं करते। मन मेरी मानता है। जब कोई आपसे कहता है बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आप स्वयं अगर अपने मन से बोले मेरे मन तुम बहुत अच्छे हो, तुम सर्वशक्तियों से भरपूर हो, तो देखिएगा आप, आपका मन मानेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं मानता है। हम कहते हैं ना कि मेरा मन बहुत अच्छा है, नहीं मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम पूरे दिन अपने मन से कंप्लेन ही करते रहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, राइट? मतलब डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट वे में नहीं कहते हैं, जैसे कैसे कहते हैं सुनिए। जब हम दूसरों की भी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे वो ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे बात करता है, तो होता क्या है, इन सब बातों को सबसे पहले मेरा मन सुनता है। जब मेरा मन सुनता है तो मेरा मन सोचता है कि ये मुझसे ही कंप्लेन कर रहा है। जैसे एक पाइप से पानी जब जाता है ना बाहर निकल के, तो उस पाइप को अंदर से भिगोता हुआ जाता है। सेम वे जब कोई भी बात या कोई भी थॉट, वर्ड, एक्शन, कोई भी हमसे जो ये बाहर रेडिएट हो रहा है ना, ये एनर्जी, ये सबसे पहले मेरे मन को भिगोती है। तो इसलिए ध्यान रहे, जो भी हम दूसरों को बोल रहे हैं, अगर अच्छा बोलते हैं दूसरों को या अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले हम स्वयं के लिए अच्छा बोल रहे और अच्छा सोच रहे हैं। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। दूसरा, तनाव बढ़ने का कारण है हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए, अपने आसपास आप ज़रूर देखते होंगे, बहुत लोगों की आदतें हो गई हैं कहते हुए छोटी छोटी बातों के लिए, जितनी टेंशन मुझे है ना इस काम के लिए, इतनी किसी को नहीं है, मुझे बहुत टेंशन है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेंशन शब्द से रिप्लेस कर चुके हैं, ये कहने की बजाय कि जितना रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ शायद कोई और ना हो, इट्स गुड, बट मैं कहता हूँ जितनी टेंशन मुझे है ना इस काम की, इतनी तो किसी और को हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है, मैं अपने मन को ये बता देता हूँ अनजाने में कि भाई मुझे ना बहुत टेंशन है, राइट? और मन का एक नियम है कि मन जो भी बात हमसे सुनता है, उसे ये लगता है कि इनको यही बहुत प्रिय है, वो हमारे जीवन में उसी को बढ़ाने में लगा रहता है। हम जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, देखो बोलेंगे भी थॉट क्रिएट करने के बाद ही ना, तो जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं, मैंने थॉट क्रिएट किया कि मुझे बहुत टेंशन है, तो टेंशन वाली जो लोवेस्ट एनर्जी है मुझसे रेडिएट होती है, बाहर निकलती है, और बाहर देखो अनेक मनों ने ये एनर्जी रेडिएट की हुई है, तो बाहर फैली हुई है ये एनर्जी, उस एनर्जी से कनेक्ट होकर आपकी और खींचती है, और होता क्या है कि आपका मन आपके जीवन में और टेंशन लेकर आता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम किस तरह के शब्द उच्चारते हैं। देखो दूर दूर जाते हैं संत महात्माओं के पास, इसलिए कि हमारे सर पे हाथ रखेंगे, वरदान देंगे, और हम जब वो वरदान देते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ अभी हो जाएगा, और होता भी है, राइट? क्यों कार्य करते हैं उनके वरदान? जब वो कहते हैं आप सफल हो जाएंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, और हम बड़े खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा जी जो संत हैं, उन्होंने इस तरह के वरदानी बोल बोलने का अभ्यास किया हुआ है, वो यही बोल बोलते हैं। हम लोग पूरे दिन कैसा बोलते हैं, जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो वहीं जब एक बार बोलते हैं अपने मन को, मेरे मन तो बहुत अच्छा है, तो मन को वरदान देते हैं, मन मेरी तरफ आश्चर्य से देखता है, इसको क्या हुआ, आज वरदान दे रहा है, राइट? तो मन उसे एक बार में स्वीकार नहीं कर पाता। जब बार बार हम मन को वरदान देंगे, बार बार देंगे, वरदान मतलब ये एफर्मेशन जिसको हम कहते हैं, स्वयमान कहते हैं, ये जब देंगे मन कहेगा हाँ हाँ
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा ना करें कि कभी मन को वरदान दे रहे हैं, कभी श्रापित कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा जैसे जमीन में आम का फल डाला, थोड़ी देर बाद आदत से मजबूर होकर आम के बीज को उखाड़ा हुआ नीम का डाल दिया। तो क्या होगा, फिर नीम का उखाड़ेंगे, थोड़े मोटिवेट होने के बाद फिर आम का डालेंगे, तो क्या होगा, फल आएगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए ध्यान रहे कि मुझे निरंतर बैक टू बैक एफर्मेशंस देते रहने हैं, राइट। इनका अभ्यास पूरे दिन करना है। परमात्म महावाक्य उठाइए। अगर आपने राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है तो सीखिए, क्योंकि यहाँ पर जब राजयोग मेडिटेशन हम सीखते हैं तो होता क्या है, मेरी इनर पावर्स जागती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें परमात्म महावाक्य रोज़ पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, जिससे हमारा मन बहुत सुंदर डिवाइन नॉलेज से भरा रहता है। हमारे मन को डेली बहुत सारे एफर्मेशंस स्वयमान मिलते हैं, स्वयमान, मेरे मन को बहुत मान मिलता है। उस मान के कारण मेरा मन बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली, समर्थ बन जाता है। सभी मनों को दिन भर वो पवित्रता का, ज्ञान का, शांति का दान देता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्म महावाक्य स्टडी करें। और अगर आपने राजयोग किया हुआ है, फिर तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो परमात्म महावाक्य पढ़कर ही करना है। भले चाहे शुरू में आप उठते ही उन्हें 10 मिनट ही स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय पर मेरा मन बच्चा सबसे ज़्यादा भूखा होता है। और जैसे माँ बच्चे को जागते ही दूध पिलाती है, उसी तरह मुझे अपने मन बच्चे को ज्ञान का ये दूध पिलाना है। और